हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5। क्या है? सीड्स एंड सीड्स। सीड्स क्या होते हैं? सीड्स बीज। अब आपने देखा होगा बीज किस लिए होते हैं। बीजों से हम पेड़ उगाते हैं, बट बहुत से फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके आप बीज भी खाते हो। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनके आप बीज खाते हो। अगर हम बात करें किसी चने की या दाल की, वो क्या है, उन पेड़ों के क्या, वो बीज ही तो है जिन्हें आप खा रहे हो। जब हमें नए चने उगाने होते हैं तो हम उन्हीं बीजों से उगाते हैं और उन्हें ही हम खाते भी हैं। तो हम जो सीड्स हैं उन्हें खाते भी हैं और उनसे हमें और भी चीजें होती हैं, जैसे नए पेड़ उगाना या और हमारे बॉडी के लिए होते हैं। जैसे अगर हम मम्मीज क्या करती हैं, जो चने होते हैं उन्हें क्या करती है, सॉक करती है ना, मतलब पानी में भिगो के रखती है और आपको बोलती है कि नेक्स्ट डे आपको वो खाने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। जो गोपाल है, एक लड़का है, वो वेट कर रहा है किसका, अपनी मौसी का, कि मेरी मौसी की फैमिली आएगी तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। दे विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। और वो कब आ रहे हैं, वो नेक्स्ट डे आ रहे हैं। कब? क्योंकि उनकी जो हॉलीडेज है, उनकी छुट्टियां हैं, इसलिए वो नेक्स्ट डे आ रहे हैं। तो उसे ये क्या है कि हाँ, जब मौसी आएंगे तो बच्चे आएंगे तो मैं बहुत मस्ती करूंगा, खेलूंगा, तो इसलिए वो एक्साइटेड है उनका वेट करने के लिए। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजन्स। तो वो किस सबके बारे में सोच रहा है, वो अपने इन सबके बारे में सोच रहा है कि मेरे कजन्स आएंगे, मैं खत नई नई चीजें खेलूंगा, नई नई गेम्स खेलूंगा, अलग अलग चीजें खाऊंगा, बाहर जाके इंजॉय करूंगा। तो वो इन सब चीजों के बारे में सोचकर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। जब वो इन चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी मम्मी उसे बुलाया कि गोपाल यहाँ आओ। तो गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक टू स्मॉल बाउल कटोरीज। बाउल्स मतलब कटोरीज ऑफ चनाग्रम। कि उसकी मम्मी ने उससे बोला, बिफोर स्लीप यानी कि सोने से पहले तुम क्या करना, तुम दो कटोरी जो चने हैं, चने की जो दाल है, उसे भिगो देना। क्यों? She was going to his बुआ's house, क्योंकि वो जो है उनकी बुआ के घर जा रही थी। तो चने जो भिगोने का काम था वो उसने किसको दिया, वो काम उन्होंने गोपाल को दिया कि ये तुम्हारा काम है, सोने से पहले तुम्हें जो है चने भिगो के रखने हैं। कितने? टू बाउल्स, यानी कि दो कटोरी चने तुम्हें भिगोने हैं। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। और मैं तो सिर्फ सुबह वापस आऊंगी, यानी कि अभी अगर मैं जा रही हूँ तो मैं रात को वापस नहीं आ पाऊंगी, मैं सुबह वापस आऊंगी, तो तुम्हें ये काम करना है। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will two small bowls of this is enough for 8 persons? जब मम्मी चली गई, मम्मी जाने के बाद गोपाल जब चने भिगो रहा है सोने से पहले, तो वो एक बात सोच रहा है कि मम्मी ने बोला कितना, कि दो स्मॉल बाउल, कि दो छोटे कटोरी की तुम्हें चने भिगोने हैं, पर हम तो 8 पर्सन है, यानी कि हम हैं, मौसी के जो बच्चे हैं, सब मिला कितने इंसान हो गए, टोटल हो गए 8 पर्सन। तो 8 पर्सन के लिए जो टू बाउल्स चना है, दो कटोरी चने हैं, वो कैसे इनफ रह सकते हैं। तो उसने क्या किया, सो ही सॉग अनदर टू बाउल्स ऑफ चना। तो उसने और दो कटोरी चने भिगो दिए, यानी कि मम्मी ने बोला सिर्फ दो, उसने दो और भिगो दिए, तो इसने टोटल 4 जो कटोरीज है वो चने की भिगो दी। ठीक है, व्हेन दिस मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगले दिन सुबह उसकी मम्मी वापस आई, तो सी शो दैट द चना वाज वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। तो उन्होंने देखा कि जो चने हैं वो वेसल में से क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं। ओवरफ्लो मतलब बाहर निकल के आ रहे हैं। क्यों? हाउ मच डिड ही सोक, आस्क्ड हिज मदर। तो उसने पूछा कि तुमने जो चने हैं वो कितने भिगोए थे। तो हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। तो वो सोचने लगे कि गोपाल ये कैसे हुआ कि मैंने तुम्हें बोला कि सिर्फ दो कटोरी जो चने हैं वो भिगोने हैं, अगर तुमने दो ही भिगोए तो वो कैसे बाहर निकल के आए हुए। तो यू सॉक टू मच, तो उसने बोला कि तुमने जो है ज्यादा चने भिगोए, यानी कि मैंने जितना तुम्हें बोला तुमने उतने तो भिगोए नहीं है, तुमने उससे ज्यादा भिगो दिए हैं। एनीवे इट इज गुड, Now I will cook half of them. तूने बोला कि चलो कोई नहीं, अच्छा है तुमने जितने भी भिगोए हैं, बट मैं इनमें से कितने बनाऊंगी, मैं सिर्फ हाफ ही बनाऊंगी।
क्यों? क्योंकि ज्यादा जो है जो 4 बाउल भिगोए हैं वो क्या है, हमारे लिए ज्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ आधे ही बनाऊंगी, बाकी का वो क्या करेंगे? एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्रोट, और मैं बाकी जो हाफ है उनका क्या बनाऊंगी, उन्हें स्प्रोट बनाने के लिए छोड़ दूंगी। स्प्रोट क्या होता है? स्प्रोट एक तरह से हमारे लिए खाने के लिए होता है, जो हम चने वगैरह दाल भिगोते हैं उनमें क्या होता है, एक अंकुर होता है। जैसे आप इस पिक्चर में अगर देखेंगे जो व्हाइट व्हाइट से आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या हो गए, इससे जो चने अंकुर, इनमें से कुछ छोटे से पौधे निकलने स्टार्ट हुए, जो अंकुर होते हैं उनसे क्या बनेगा, स्प्रोट बनेगा। वो क्या होता है, हमारे लिए खाना हेल्दी होता है। डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं कि जैसे कोई वीक है, कमजोर ज्यादा है, तो उन्हें बोलते हैं कि आप जो स्प्रोट्स होते हैं वो खाइए। ठीक है, आई कैन सेंड देम टू योर आंट। तो उन्होंने बोला कि जो बचे हुए हाफ है जिनका मैं स्प्रोट बनाऊंगी, और स्पॉट बनाने के बाद मैं उन्हें कहाँ भेज दूंगी, मैं तुम्हारी आंट, आंट मतलब आंटी के पास मैं उन्हें भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्पॉट, क्योंकि जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि तुम्हें स्पॉट्स खाने चाहिए, तो इसलिए मैं उनके पास भेज दूंगी। मदर सेड सी ट्राइड सॉरी सी टाइड हाफ ऑफ द सॉग्ड चना इन द वेट क्लॉथ एंड हंग देम टू अ स्पॉट। उन्होंने क्या किया, जो बचे हुए हाफ थे, हाफ चने, उन्होंने उन्हें एक कपड़े में बांधा, और बांधने के बाद उन्हें टांग दिया, टांग दिया तब तक वो स्प्रोट ना बन जाए, क्योंकि फिलहाल तो वो जैसे नॉर्मली भीगे हुए चने थे वैसे ही थे, अब उन्हें स्प्रोट बनेंगे 1 दिन 2 दिन में, तो उन्होंने तब के लिए उन्हें टांग के रख दिया कि हाँ जब तक ये स्प्रोट नहीं बन रहे हैं तब तक ये यहीं रहेंगे, और स्प्रोट बनने के बाद फिर मैं इन्हें आंटी के पास भिजवा दूंगी, क्योंकि उन्हें तो डॉक्टर ने बोला कि आपको स्प्रोट खाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये था कि गोपाल ने कैसे चनों के साथ क्या किया, क्या किया उसने, मम्मी ने जितना बोला उससे भी ज्यादा चने भिगो दिए, और वो क्या हो गए, मम्मी के लिए तो वो एक्सेस हो गए, यानी मम्मी उन्हें बना नहीं सकती, ज्यादा है तो मम्मी ने फिर भी उन्हें यूज किया, ये नहीं कि वेस्ट है चलो फेंक दे, नहीं, मम्मी ने उन्हें यूज किया, कैसे, हाफ के लिए सब्जी बना दी, हाफ से उन्हें स्प्रोट बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुक इन योर हाउस, व्हाई? जैसे मम्मी ने कहा था कि तुम चने भिगो देना, मैं सुबह बनाऊंगी, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपने अपने घर में देखा होगा, मम्मी क्या करती है, उन्हें रात भर भिगो के रखती है सुबह बनाने के लिए, तो वो ऐसा क्यों करती है, और वो चीजें कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। द फॉलोइंग थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बनाने से पहले क्या किया जाता है, सॉक यानी कि भिगो के रखा जाता है, जैसे चना, मूंग, ड्राई पीज, राजमा, सोयाबीन, पल्सिस, राइस एक्सेट्रा, ये बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बनाने से पहले क्या करती है, मम्मी भिगो के रखती है। जैसे कुछ होते हैं जो रात भर भिगोने पर, जैसे राजमा, दाल वगैरह हम रात भर भिगोते हैं, जो कुछ होते हैं थोड़े टाइम के लिए भिगोने पड़ते हैं, जैसे सोयाबीन है कुछ घंटे भिगोया काफी है, चावल है हमने 10 मिनट भिगोया तब तो भी काफी है, तो अलग अलग चीजें भी होती है कि उनको उनके अकॉर्डिंग ही सोक करना पड़ता है, यानी भिगो के उन्हें रखना पड़ता है। बट ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, तो ये चीजें जो है वो क्या होती हैं, भिगोने के बाद सॉफ्ट हो जाती है। दिस मेक इट इजियर टू ग्राइंड देम एंड टू कुक देम, और जिसकी वजह से क्या होता है उन्हें ग्राइंड, यानी कि जो मिक्सी में पीसते हैं चीजों को मसाले बनाने के लिए, उन्हें ग्राइंड करना भी इजी होता है, और उन्हें कुक यानी कि उन्हें बनाना भी इजी होता है। भिगोने के बाद जब वो सॉफ्ट होगी तो वो जब हम उन्हें बना रहे हैं तो जल्दी से बन जाती है। दिस हेल्प इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी, तो ये चीज हमारी किस लिए हेल्प करती है, ये हमारी हेल्प करती है हमारे टाइम को सेव करने के लिए और हमारी एनर्जी को सेव करने के लिए। सेव टाइम मतलब अगर आपने नॉर्मली चने की दाल बना रहे हैं या आप चने बना रहे हैं, अगर आपने उसे नहीं भिगोया तो वो बनेंगे तब भी, बट क्या है तब उन्हें पकने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। मान लीजिए नॉर्मली मम्मी ने बनाया तो मम्मी ने 8 से 10 सीटियां कुकर में लगवाई तब भी शायद कच्चे रह जाए या फिर बन जाए, और अगर वो मम्मी ने भिगो के रखे हुए हैं और तब उन्हें बना रही है तो 2 या 3 सीटी में क्या होते हैं वो जल्दी से पक जाते हैं। तो इससे क्या है हमारा टाइम भी बचता है, जो चीजें हम भिगो के उन्हें बना रहे हैं तो उससे हमारा टाइम बचेगा और हमारी एनर्जी भी बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू वी ईट आफ्टर स्प्रोटिंग, स्प्रोटिंग हाउ डिड दे स्प्रोट,
हाउ मच टाइम डस इट टेक, कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हम स्प्रोट करके खाते हैं, कैसे और उन्हें स्प्रोट होने में कितना टाइम लगता है। तो वी ईट चना मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्रोटिंग, हम चने जो होते हैं, मूंग होते हैं, उन्हें हम ज्यादातर स्प्रोट करने के बाद खाते हैं। दे आर सोक्ड इन वॉटर ओवरनाइट, कि उन्हें क्या करना पड़ता है, पूरा रात भर में भिगोना पड़ता है। देन द वॉटर इज ड्राइंग आउट एंड दे कीप इन ए बास्केट और सस्पेंडेड इन अ क्लोथ। उसके बाद क्या है, जब उसने हमें रात भर भिगोया, भिगोने के बाद उसका जो पानी है वो हम उसमें से निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो चने हैं या मूंग है उन्हें हम किसी कपड़े में या बास्केट में रखते हैं, सो दे दैट दे कैन गेट एयर, क्यों, ताकि उन्हें क्या मिले, उसके बाद उन्हें हवा वहां पर मिलती रहे। चना टेक्स अबाउट 36 टू 48 आवर्स टू स्प्रोट, जो चने होते हैं उन्हें कम से कम 36 से लेकर 48 आवर्स तक लगते हैं क्या, स्प्रोट होने में। अगर मूंग की बात करें तो मूंग जो है 24 से 36 आवर लेती है स्प्रोट होने में। उसे क्या होगा, जो हमने भिगो के रखे हैं तो पानी जब अलग होगा तभी वो स्प्रोट होंगे। अगर आपने पानी के अंदर डुबो के रखे हुए हैं, सोचा कि दो दिन तक रखे रहे, तीन दिन तक, तो वो स्प्रोट नहीं होंगे। तो अगर आपको चने या मूंग को स्प्रोट करके खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उन्हें रात भर भिगोइए, उसके बाद उसका पानी निकालने के बाद जो बचे हुए चने हैं उसे किसी बास्केट में या किसी कपड़े के ऊपर रख दिए। उसके बाद फिर देखिए 36 से 48 आवर्स के बीच में चने में क्या आएंगे, स्प्रोट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो इवन टोल्ड यू टू ईट स्प्रोट्स, व्हाई, कि क्या डॉक्टर ने या कभी किसी और ने, जो आपके बड़े दादा हो गए, दादी हो गए, कभी किसी ने आपसे कहा है कि आपको स्प्रोट्स खाने चाहिए, अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए। तो यस, डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू ईट स्प्रोट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट्स, कि हाँ डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, कहा है कि तुम्हें स्प्रोट्स खाने चाहिए, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है उनके अंदर क्या है, उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, अगर हम उन्हें खाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाएंगे, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा और हमें एनर्जी मिलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें डू दिस एंड फाइंड आउट, कि आपको एक एक्टिविटी है जो करनी है और करने के बाद उसके कुछ आंसर्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद दिस सीड, नाउ ट्राई अनदर वन, कि आपने क्लास 4th में एक एक्टिविटी की थी सीड्स के साथ, बट आपको यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करना है क्लास 5th में। क्या एक्टिविटी है, आपको फर्स्ट है टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, आपको कुछ चने लेने हैं और 3 बाउल्स, अलग अलग आपको 3 बाउल्स लेने हैं, ठीक है। सेकंड, पुट 5 चना इन फर्स्ट बाउल एंड फिल इट विद वाटर, कि फर्स्ट जो बाउल है, जो पहली कटोरा है, उसके अंदर आपको कितने चने डालने हैं, 5 चने डालने हैं, और उसके अंदर आपको फिर क्या करना है, पानी फिल करना है, यानी पानी आपको भरना है। नेक्स्ट, पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन सेकंड बाउल, उसके बाद जो सेकंड है उसमें आपको क्या डालना है, उसमें आपको कुछ जो क्लॉथ होते हैं उसके पीसेस या आपको जो कॉटन है उसके पीसेस इसमें डालने हैं। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट, मेक श्योर द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट, उसके बाद जितने आपने फर्स्ट बाउल में 5 डाले थे तो सेकंड बाउल में भी आपको कितने चने डालने हैं, सेम उतने ही, यानी कि आपको इसमें भी 5 चने डालने हैं। पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो कॉटन की वूल है या क्लॉथ है वो कैसे रहे, वो वेट रहे, ठीक है। नेक्स्ट, पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन थर्ड बाउल, अब आपको थर्ड बाउल में भी चने डालने हैं, कितने, सेम, यानी कि 5। डू नॉट पुट एनीथिंग एज इन इट, उसके अंदर आपको कुछ नहीं डालना है, कवर द 3 बाउल्स, ऑब्जर्व एल्टर 2 डेज एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स, उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों बाउल्स को क्या करना है, कवर करके रख देना है, कवर करके मतलब कि आपको ढक के रख देना है, और फिर आपको 2 दिन तक इसमें जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस आपको देखने हैं, कि फर्स्ट डे क्या चेंज है, सेकंड डे क्या चेंज है,
फर्स्ट बाउल में क्या चेंज है, सेकंड बाउल में क्या चेंज है, थर्ड में क्या चेंज है, तो आपको वो नोट करने हैं। तो मैंने ये टेबल है, इस टेबल में हमने वो चीजें नोट की हुई है। फर्स्ट वन टू थ्री, थ्री बाउल्स है। फर्स्ट चीज आपको क्या वो लगी है, आर द सीड्स गेटिंग एयर, कि क्या जो सीड्स है, जो बीज है, उन्हें हवा मिल रही है। तो फर्स्ट वाले में नो, सेकंड वाले में यस, थर्ड वाले में यस, कि जो फर्स्ट बाउल है उसे हवा नहीं मिल रही है, बाकी सेकंड को भी हवा मिल रही है, थर्ड को भी हवा मिल रही है। नेक्स्ट, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, कि जो सीड्स हैं, जो बीज है, क्या उन्हें पानी मिल रहा है। तो फर्स्ट में यस, सेकंड में यस, थर्ड में नो, क्योंकि थर्ड में तुमने कुछ डाला है, बीज डालने के बाद उसे कवर किया था। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपके पास आपने उनमें क्या चेंज देखा। फर्स्ट बाउल में क्या है, चना हैव स्वेल्ड अप, चने जो है थोड़े से स्वेल हो गए हैं। चना हैव स्प्रोट्स, चने कैसे हो गए, थोड़े से स्प्रोट्स हो गए हैं। और थर्ड में नो चेंजेस, क्योंकि कुछ है नहीं, तो वो एज इट इज के ही एज इट इज रहे। हैव द सीड स्प्रोट्स, जो जो सीड से क्या वो स्प्रोट हुए हैं। तो फर्स्ट बाउल में नो, सेकंड बाउल में यस, और थर्ड में नो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्टिविटी कीजिए, अलग अलग ट्राई कीजिए। अपने घर पर तीन बाउल से लेकर तीनों में फाइव फाइव चने डालकर, जैसे आपको बोला कि पानी डालिए, उसके बाद सेकंड में आपको कॉटन और या फिर कोई क्लॉथ डालना है, उसके बाद फिर आप इन्हें चेक कीजिए कि क्या क्या चेंजेस है, कब चेंजेस है, कब कितने दिन बाद वो स्प्रोट हो रहे हैं, या किसमें बिल्कुल ही स्प्रोट नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट इसमें आपका टेल एंड राइट, इसमें आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्रोट, कि किस बाउल में, जो कटोरे तीन थे उनमें से किस में जो सीड्स हैं वो स्प्रोट हुए। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल, फाइंड द अदर बाउल, कि आपने इनके अंदर क्या डिफरेंस देखा, जो अलग अलग बाउल्स थे तीनों बाउल्स में क्या डिफरेंस है, और आपको वो डिफरेंस यहाँ पर लिखना भी है। तो सीड्स कुड स्प्रोट इन बाउल टू ओनली, जो सीड्स थे वो सिर्फ किसमें स्प्रोट हुए, बाउल टू में। द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वॉटर, हेंस कुड स्प्रोट, जो बाउल टू था उसके अंदर ही क्या गया था, उसके अंदर पानी भी गया था और हवा भी गई थी, जिसकी वजह से सिर्फ बाउल नंबर टू में ही स्प्रोट्स हुए थे। ऑन द अदर हैंड, इन बाउल वन ओनली वॉटर वॉज अवेलेबल, द हैंस द सीड्स कुड नॉट स्प्रोट, जो बाउल नंबर वन था उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ वॉटर ही तो था, इसकी वजह से जो सीड्स है वो स्प्रोट नहीं हुए। इन द बाउल थर्ड, अगर हम थर्ड बाउल की बात करें, देर वॉज नो वॉटर एंड नो एयर, हैंस द सीड कुड नॉट स्प्रोट, कि थर्ड बाउल में तो पानी था ना हवा थी, तो जो स्प्रोट्स है वो बिल्कुल भी नहीं हुए। तो अगर हम इनको देख के समझे, तो जो बीज होते हैं उन्हें स्प्रोट होने के लिए क्या जरूरी है, उन्हें पानी और हवा दोनों चीजें जरूरी है। अगर उन्हें दोनों में से कोई भी चीज नहीं मिल रही है, अगर मान लीजिए सिर्फ पानी पानी मिला है तो भी वो स्प्रोट नहीं होंगे, सिर्फ हवा मिली है तो भी वो स्प्रोट नहीं हो रहे हैं। जब उन्हें दोनों चीजें यानी पानी और हवा दोनों चीजें प्रॉपरली मिल रही हैं, तभी जो हमारे चने हैं वो क्या हो रहे हैं, स्प्रोट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम्प क्लॉथ, जो गोपाल की मदर थी उन्होंने क्या किया था, जो बचे हुए चने थे, हाफ चने उन्होंने बनाए थे, जो हाफ बचे हुए थे उन्होंने उन्हें बांध कर और टांग के क्यों रखा हुआ था, क्योंकि गोपाल्स मदर टाइड द चना इन दैट क्लॉथ सो दैट द सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर, क्योंकि जो गोपाल की मदर है उन्होंने उसे कपड़े में जो डैम्प कपड़ा, जो गीला कपड़ा था, उसमें उन्होंने इसलिए बांध के रखा था ताकि जो चने हैं उन्हें एयर और वाटर दोनों चीजें प्रॉपरली मिल जाए, क्योंकि जब चनों को एयर और वाटर दोनों चीजें मिलेंगी तभी तो उनमें स्प्रोट्स होंगे, वरना वो नहीं होंगे, फिर वो खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट, When did split the whole masoor? जो मसूर होती है, दाल होती है एक तरह से, कि वो पूरी तरह से कब स्प्लिट होती है? Do get, you get me masoor dal, but then you cannot sprout me. You can think why?
कि जैसे हम और दाल होते हैं, चने होते हैं, उन्हें स्प्रोट करते हैं, तो हम जो मूंग दाल होती है हमारी, हम उसे स्प्रोट क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप उसे क्यों स्प्रोट नहीं कर पाते हैं। दिस हैपन बिकॉज द स्प्रोटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज लोट आफ्टर इट्स स्प्लिट। क्योंकि जो मसूर है, जब उसे हमने स्प्लिट कर दिया है, उसके बाद जो उन्हें स्प्रोट करना है, तो स्प्रोट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी जो है वो लॉस हो गई है। यानी कि स्प्लिट होने के बाद उसके अंदर अब कैपेसिटी नहीं बची है जिससे वो अपने स्प्रोट्स बना सके। यानी कि उसके अंदर अब इतनी वो है ही नहीं एनर्जी जिससे वो अपने स्प्रोट्स प्रोड्यूस कर पाए, स्प्रोट्स बना पाए। तो इसलिए जो दाल होती है मसूर की, जब उसे स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिट करने के बाद उसमें स्प्रोट्स बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसके रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपने सिर्फ सीखा है कि कैसे आपको जो चने होते हैं वो भिगोने से उनमें क्या चेंजेस होते हैं, उसके स्प्रोट्स बनते हैं, तो स्प्रोट्स हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो वो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। के बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक आप इन्हें ध्यान से समझिए, और जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है 3 बाउल्स का, आप उसे घर पर भी ट्राई कीजिए। अलग अलग 3 बाउल्स लेकर उसमें चने डालिए इक्वल मात्रा में, एक में पानी, दूसरे में क्लोथ्स, और तीसरा बिल्कुल ड्राई रखकर आप खुद चेंजेस देखिए कि चेंजेस सच्ची में हो रहे हैं या फिर सिर्फ हमारी बुक्स में लिखे हुए हैं। तो आप इन्हें ट्राई कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।